नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। I am thankful to Neha for making a part of this project, and thank you so much Sangeeta ji for coming in and unveiling this poster of ours and look of our show. It's a show which is a beautiful blend between two different dance forms, that is Kathak and then international dances. So aap log jo aayenge, it will be a full on entertainment for you, but not just entertainment but education. And I think aap log wapas jayenge, you go back with a thought, a message, and I hope ye message aap jaakar ke baaki sab logon ko de sake bahar, because that's what is required today in our country. वेल, जैसा मैंने अभी कहा था पहले, थोड़ी देर पहले, कि मैं संदीप से डांस सीखने वाली हूँ। दो आई हैव ट्रेंड इन क्लासिकल डांसिंग फॉर कथक, बट मैं उनसे उनकी डांसेस सीखना चाहूँगी, जैसे रुम्बा है, सालसा है, और बहुत से। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डांसर, ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और नॉट जस्ट दैट, ही इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, एंड वी हैव कनेक्टेड सो ब्यूटिफुली। सो आई फील that he expresses himself very beautifully in his form of dance, and not just that, he also brings about all the dancers so beautifully, treats them so beautifully, so that whole feeling of sensitivity, मेरे हिसाब से वो सब बदल गया है, और बहुत बदल गया है, और बहुत बदलने वाला भी है। और वो शुरुआत आपके घरों से ही होनी चाहिए। आप लोग सब यहाँ पर आए हो, तो आप ऐसे मैसेजेस बाहर ले जाइए और अपने घर में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। अगर आपकी बेटियाँ हैं तो उनको सिखाइए, जो मर्द है आपके घर में उनको सिखाइए कि औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि औरतों से ही आप आए हो। तो अगर वो नहीं होती तो आप नहीं होते, आपके माएँ नहीं होती, आपकी बहनें नहीं होती, ना आपकी बीवियां होती। तो आपको ये सब बात पहले सोचना चाहिए। आई जस्ट फील दैट। आने वाली फिल्म का भी क्या क्या प्रोजेक्ट नज़र आएंगे आप? तो फिल्म में आ रही है। अभी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, तो देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो करूँगी। वैसे आई एम नॉट लाइक jumping to too many things, but I do have a script at home, so let's see if it works out. I'll let you know about it. Well, honestly, ye topic lekar ke mere paas Neha aayi thi, I'll be honest about it, and I just feel jo mera dance form hai, logon ko lagta hai it's mostly party forms, aap night club mein jaiye dance kariye, but they don't understand this. Many people don't know that it is a form where we can also tell stories, just as hum log kathak bharatnatyam ke through stories bata sakte hain, aise ballroom dancing ke through, latin american dancing ke through, contemporary dancing ke through hum log bahut kahaniyan bata sakte hain, and it's a great platform where we can use. और आज हमारा हिंदुस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है जहां पे हम लोग सारे डांस फॉर्म्स को बड़ी ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, तो अ शो लाइक दिस आई थिंक इज एप्ट, जहां पे सारे डांस फॉर्म्स एक साथ आएंगे और आप लोग वापस जब जाएंगे तो एक मैसेज के साथ वापस जाएंगे। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि
मैं कथक डांसर हूँ, तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली है अभी कि वी कैन थ्रू ऑल डांस फॉर्म्स हम लोग बहुत अच्छे से स्टोरीज बोल सकते हैं, और कथक का तो मतलब ही है कथा कहना, सो वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन, कथा कहे सो कथक कहलाए. तो लाइक ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्राचीन कथाओं के बारे में बातें करते हैं, बट आज का क्या, अभी का क्या, अब जो हो रहा है उसका क्या. सो यही थॉट मेरे दिमाग में था, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न विद सम काइंड ऑफ टैलेंट थ्रू विच आई कैन मेक सम डिफरेंस इन द सोसाइटी. देयरफॉर आई वेंट टू संदीप जी, आई सेड संदीप जी आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ डू समथिंग, एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड द वे इट्स बीन कोरियोग्राफ्ड एंड द वे द मैसेजेस आर कमिंग आउट. इट इज़ रियली हार्ट टचिंग, एंड इट्स नॉट ओनली हार्ट टचिंग, इट पॉइंट्स आउट टू those small issues of Indian society which we are actually ignoring, even if we are not ignoring, but we are not actually resolving those. नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि नृत्य जो है वो बहुत कुछ कह सकता है अपने डांस के थ्रू, और वही दिखाने की कोशिश की है स्मिता जी के शब्दों ने और हमारे डांस ने. तो संदीप जी की जो आइडिया है शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक है, और वेस्टर्न क्लासिकल, इन दो अलग अलग विधाओं को लेके ये जो डांस ड्रामा की सोच है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम हमेशा अलग अलग रहते हैं और अपनी दुनिया में खुश रहते हैं. जब हम मिलके काम करते हैं तो और भी अच्छा काम होता है. जैसे कि ये सोशल मैसेज जो जा रहा है कि औरतें हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होती है, जैसे द्रौपदी थी जो हर एक सिचुएशन में हमेशा स्ट्रॉन्ग रही और एक बैकबोन की तरह अपने सब पतियों के साथ भी रही, और भले उसकी वजह से उसका जन्म ही उसी लिए हुआ था कि मतलब ये कुरु वंश को शायद ये ख़त्म करने के लिए ही जन्मी हुई थी. तो जैसे ही मतलब ये इसके साथ साथ आज के दौर में भी औरतों को तकलीफ़ दी जाती है, रेप होता है, क्या कुछ नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस है. तो द्रौपदी की कहानी को लेके ये जो करंट सिचुएशन को भी दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है. तो मतलब आई शुड से थैंक्स टू स्मिता जी ऑल्सो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है. द्रौपदी सर्वगुण संपन्न थी. अगर हम आज की महिलाओं को, औरतों को, वेमेन को देखें, हम सब इनहेरेंट पोटेंशियल हमारे में बहुत है, लेकिन उस पोटेंशियल को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो एक दायरा मिलना चाहिए, जो एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है. द्रौपदी का जन्म, जैसे आप कह रही थी उमा जी कि द्रौपदी का जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ था टू डिस्पेल डार्कनेस, टू डिस्पेल इनजस्टिस, अधर्म को ख़त्म करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए उसका जन्म हुआ था. और हमारी कोशिश ये है यहाँ पर कि अगर हम सभी मेन एंड वुमेन अधर्म के नाश के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और चल पड़े, तो वी विल एक्चुअली क्रिएट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेरी अकाउंटेबल वर्ल्ड वेयर वी कैन ऑल लिव हैप्पीली. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑफ द ग्रिड को जो ये मौका मिला आज ये सैरंदरी को होस्ट करने का, हम लोग भी इसको प्लान करते हैं कुछ कल्चरल शोज़ करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे आज, जिसमें हम इसको सपोर्ट देना चाहते हैं. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट है. और वुमेन एम्पावरमेंट जो इन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट सब्जेक्ट. नो, नारी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और नारी की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सबको, पूरी टीम को. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.